नमस्ते फ्रेंड्स, आपको अब हम ले चल रहे हैं हमारे फ्रेंड के यहाँ पर, आपको उनका घर दिखाएंगे। आई होप सो आप एंजॉय करेंगे, तो चलिए हमारे साथ उनके यहाँ पर। एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर आते ही आप लोगों को दिखेगा इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स जो इंडोर है, और ये खूबसूरत सी रंगोली। उन्होंने सेफ्टी गेट का भी इंतज़ाम करके रखा है। और ये दादी आपको भी मिलाएंगे उनसे थोड़े टाइम के बाद। तो ये एंट्रेंस हो गई, ये सेफ्टी गेट है। यहाँ से एंट्रेंस करते हो तो ये कुछ जिम का सामान रखा है, और ये शू रैक है, और शू रैक के साथ साथ सैनिटाइज़र भी है। ये लॉक्ड है, और हम जानते हैं इसमें क्या है, रंगोली के डब्बे होंगे। ये बैटरी है इन्वर्टर की, और ये ब्यूटीफुल वॉल है। देखिए दीदी ने कितना खूबसूरत से सजा के रखा है, हालांकि इतना कम स्पेस शायद ही कोई यूज़ करता होगा। और ये गणेश जी है, हाँ सबकी शुरुआत तो गणेश जी से होती है। ये एंट्रेंस है हॉल में जाने वाले। देखिए कितना हवा चल रहा है, यहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। जैसे हम एंटर करते हैं वहीं से सटीक पे दीवार है, जहाँ पर टीवी यूनिट का सेटअप करा है। नॉर्मल सा है लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये सोफ़ा, ये कॉट, इनका पीओपी दिखाते हैं आपको जो मत तक पसंद है। अभी 5 बज रहे हैं। यहाँ से एंटर करते हैं तो मास्टर बेडरूम, बेडरूम और ये किचन एक ही साथ खुलता है। यहाँ पर वॉल था, दीवार था, तो दीदी ये देखो, ये यहाँ पे वॉल था कंटिन्यू, उन्होंने ब्रेक कर दिया है ताकि स्पेस ज़्यादा मिले यूज़ करने के लिए। ये फ्रिज है, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस मिला है वो दीवार हटाने की वजह से। और ये किचन सेटअप है, मॉड्यूलर किचन है, सीलिंग तक अटैच दिया है, ये मैनुअल चिमनी दी है, सिंपल सा गैस। और देखिए उनका ऑर्गेनाइज कितना अच्छा है, हालांकि ये जॉब करते हैं, जॉब के साथ घर भी संभालते हैं, हैंड्स ऑफ दी। और ये नॉर्मल सा है जो सबके घर में होता होगा, नॉर्मल किचन। किचन एक तो बड़ा टास्क होता है, जो हालांकि क्लीनिंग में तो सब पता ही चल जाता है, लेकिन दीदी ने दोनों ही एक साथ संभाल के रखा है। किचन से ही लग के यूटिलिटी एरिया दिया है। यहाँ पर भी दीदी ने देखिए कितना खूबसूरत से प्लांट्स लगा के रखा है, ये उन्होंने खुद से लगाया है, ये बिल्डर ने प्रोवाइड नहीं किया है, वही धोना पड़ा स्पीडली। यहाँ से जब एंटर करते हैं किचन का, और ये मास्टर बेडरूम, बेडरूम का डोर एक ही साथ खुलता है, और ये है पूजा रूम। देखिए लोअर सिटिंग के बारे में हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर भी कितना कंफर्टेबल गद्दा लगा के रखा है। ये भी हम आपके साथ आगे के वीडियो में शेयर ज़रूर करेंगे। वाह ये कितना सा प्यारा लग रहा है, ये देखिए।
कोच यहाँ पे अटैक करेंगे, चिल्लर रखे हैं। ये कपबोर्ड सिंपल सा है लेकिन इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लग रहा है। भगवान जी है, इनके लड्डू गोपाल दिखे। यहाँ से कंबाइन बाथरूम दिया है, इन्होंने यहाँ पर मिरर लगाया है। और तो चलिए, ये मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस है। उन्होंने देखे ये जो जगह है यहाँ पे अटैच था ना, 10 फीट था, तो उन्होंने हाफ करके ये वुडन प्लाउट फिक्स कराया है ताकि वहाँ की जो जगह है आपको इस तरह से समझ में आएगा। देखिए जैसे डोर का 7 फीट है वहाँ से थोड़ा सा छोड़ के प्लाउट फिक्स किया है, और जो ऊपर का पेस है वो एज अ स्टोर रूम जैसे यूज़ कर रहे हैं। ये सिंपल सा कपबोर्ड स्लाइडर है, ये काफ़ी काफ़ी बड़ा है, इसमें नहीं आ रहा है लेकिन हम ऊपर से दिखा रहे हैं। और ये बेड है, यहाँ पर भी टॉयलेट बाथरूम अटैच दिया है। दो टाइप के दिया है, कि वेस्टर्न दिया है और एक इंडियन दिया है। इसका जो वेंटिलेशन है शायद इस वजह से होगा, ये काफ़ी खुला खुला है। उन्होंने ये जाली लगा दी है, जाली नहीं है कुछ नेट जैसा है, हम नीचे का दिखा रहे हैं आपको क्योंकि ये तो पैक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं दीदी ने। देखिए ये कपड़े के लिए भी ऐसे रस्सी लगाए हैं, और वहाँ पे मशीन रखी है दीदी की, वहाँ पर भी प्लांट रखा है। इस फ्लैट का जो सबसे सबसे अगर बात करेंगे ना आपके कौन सा खूबसूरत चीज़ है, तो ये इनका जो कॉर्नर है वही। ये देखिए आप इसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और क्या, नीला आसमान और ये ग्रीनरी। ये जो है लोहे का है, काफी बड़ा बनाया है। क्या है, ये जो टाइल्स है वो बिल्डर ने प्रोवाइड करी है, लगी है ये टाइल्स पूरे इसमें लगी है ये टाइल्स सब तरह। और यहाँ पर भी लोहे का काफी काम किया है, देखिए ये इसीलिए रखा होगा शायद ताकि पूरे जो प्लांट्स है इसके ऊपर रखा जाए। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर है। और यहाँ से भी देखिए ये बंद है ताकि तेज धूप आती है इसके चलते, लेकिन यहाँ का व्यू देखिए, ठंडी में अगर देखते थे जाड़ों में तो इसका मतलब क्या ही कहना। शायद कबूतरों का आवाज है, प्यारा है। सब शॉट ले, पीने चाय आइए, सब चाय पीने के लिए। देखिए यहाँ पर अजान सुनने को आ रही है, चलो यहाँ पर भी पैक किया है। बताइए सुनाई तो दे रहा है अच्छे खासा। यहाँ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ लीजिए, बन गई है चाय, और आप आ जाइए चाय और बिस्कुट खाने के लिए। ये कप देखिए कितना प्यारा है, वाव, इसका प्रिंट कितना खूबसूरत है ना दीदी, खूबसूरत है क्या करे। आपको कैसा लगा जरूर बताना। जो माइलस्टोन है उन्होंने वो खूबी काट लिया है और उनको अचीव कर लिया है, तो आपको कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और ऐसे भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।